दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम शिवम और आज हम बात करेंगे पाद अभ्यंग के विषय में। पाद अभ्यंग का मतलब होता है कि जो आपके पैरों की मालिश करना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये जो मैं बात करूंगा शास्त्रोक्त बात करूंगा, और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये चरक संहिता का अध्याय पांचवा है, जिसका नाम मात्र श्रुति अध्याय। उस अध्याय के अंदर सब कुछ दिया गया है और इसमें बताया गया कि उसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए अक्सर हम लोग इस पैरों की मालिश को अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सर की मालिश करो, हम लोग वो तो कर लेते हैं, वो भी कभी कभी करते हैं, या फिर हम कहते हैं नाभि में तेल लगाओ, वो भी हम लोग कभी कभी करते हैं। लेकिन अगर बात आती है पैरों की मालिश की, वो बहुत कम हो पाती है। अगर मैं कह रहा हूँ पैरों की मालिश करना, इसका मतलब ये होता है कि पैरों के जो हमारे तलवे होते हैं उसकी मालिश करना, ना कि पैरों की पिंडलियों की मालिश। वो भी बेनिफिशियल है, लेकिन अगर मैंने कहा पाद अभ्यंग तो विशेष रूप से मैं कहता हूं कि ये आपके पैरों के तलवों की मालिश की बात कर रहा हूं। देखिए हमारे इस शरीर में जितने भी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो सब पैरों के अंदर रहते ही रहते हैं। तो आपको प्रयास करना है कि आपके पैरों की मालिश आप नियमित रूप से कर सके। तो वो कहते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। उन्होंने पहला पॉइंट कहा कि अगर आपने पैरों की मालिश की तो मालिश करने से आपके पैरों के अंदर जो खुदरापन होता है ना, जैसे कई बार खुदरे खुदरे पैर होते हैं, वो इसके अभ्यास से इसकी मालिश करने से डेली ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रुक्षता अगर आपके पैरों में रूखापन रहता है, रूखे रूखे पैर रहते हैं, तो वो भी इसके अभ्यास के मालिश करने के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पैर कई बार सो जाते हैं हमारे, कई बार पैर सो जाते हैं। सपोज कीजिए आप किसी एक अभ्यास में लगातार बैठ जाएं कुछ देर तक, तो कुछ देर बाद आपके पैर सो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डेली पैरों की मालिश करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑयल से, तो आपके पैरों की सोने की समस्या ठीक हो जाएगी। वो नेक्स्ट कहते हैं कि अगर आपने पैरों की मालिश की तो आपके सुकुमारता आती है, मीन्स कि आप सुंदर बन जाते हैं, आपके पैर अच्छे बन जाते हैं, आपके पैर सुंदर बन जाते हैं पैरों की मालिश करने से। आगे बोलते हैं कि पैरों की मालिश करने से आपका जो बल है वो बढ़ जाता है, मतलब कि पैरों की मालिश अगर आप डेली करेंगे तो बॉडी में ताकत आती है, पैरों में ताकत आती है, बिकॉज ऑफ कि आपके पैरों को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन तेल से मिल पा रहा है। और डेली आप उसकी जब अभ्यंग करेंगे तो क्या होगा, आपके पैरों को एक बल मिलता है, साथ में आपके पैरों में स्थिरता आ जाती है, मतलब कि पैर डगमगाते नहीं है। जिससे हम लोग देखते हैं ना अक्सर कि इतने ज्यादा कमजोर पैर रहते हैं कि वो डगमगाते रहते हैं, तो इसके अभ्यास से डगमगाते नहीं है। नेक्स्ट ऋषि हमारे कहते हैं कि अगर आपने पैरों की मालिश करी तो इससे आपकी दृष्टि बढ़ जाती है, आपका जो आईज का विजन होता है वो बढ़ जाता है पैरों की मालिश करने से। क्योंकि मैंने कहा कि पैरों में सारे पॉइंट्स हमारे रहते हैं बॉडी के, चाहे वो आंख का हो, चाहे वो नाक का हो, चाहे वो कानों का हो, चाहे वो लीवर का हो, किडनीज का, पैनक्रियाज का हो, आपके हर बॉडी के अंग के पॉइंट्स आपके पैरों में रहते ही रहते हैं। तो आपको इसकी मालिश हर दिन करनी चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि पैरों की मालिश से क्या होगा, आपकी जो दृष्टि होती है, जो विजन होता है इसका, वो बढ़ जाता है। जिनको स्पेशल चश्मे की समस्या हो, चश्मा लगाते हैं जो बच्चे या जो भी जवान है या फिर जो भी जिनकी भी एज हो चुकी है, वो अगर नियमित रूप से मालिश पैरों पे करते हैं तो उनका चश्मा उतर जाता है। पैरों की मालिश करने से हमारे जो वात रोग होते हैं, विशेष रूप वात रोग जो होते हैं, वो इसके मालिश करने से ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर ठीक से आपने मालिश किया हर दिन रूप से, तो आपके जो पैरों में हलचल सी रहती है ना, कई बार हम सोते हैं तो लगता है कि पैरों के अंदर कुछ घूम रहा है, मींस वात मींस क्या होता है, वायु होती है बेसिकली, तो वायु घूमती रहती है पैरों के अंदर। अगर वो कहते हैं कि आपने पर डे मालिश किया तो आपका जो वात रोग था, जो पैरों में वात वायु घूमती रहती है, वो इसके अभ्यास से, मालिश के अभ्यास से ठीक हो जाता है। आगे कहते हैं पैरों के तेल लगाने से श्यातिका जो होता है, श्यातिक मतलब कि जो हमारी ग्रदसी बोलते हैं आयुर्वेद में उसको ग्रदसी, उन्होंने कहा कि अगर आपने नियमित रूप से पैरों पर मालिश किया तेल का, तो वो ग्रदसी श्यातिका भी ठीक हो जाती है। तो श्यातिका बहुत भयंकर चल रहा है समस्या आजकल, हर किसी को देखो श्यातिका रहता है। श्यातिक बेसिकली नर्व होती है, एक नस होती है जो हमारी कमर से शुरू होती है और वो जाते पैर की ओर। तो अगर आपने नियमित रूप से उसका मालिश किया अपने पैर पर, तो जो श्यातिका नर्व अच्छे से काम करती है और वापस आपको श्यातिका पेन नहीं होता। पाँव की शिराएं होती हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं, हमारे पाँव की जो शिराएं होती हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं, वो तेल लगाने से अच्छे बन जाते हैं। जो तंतु बहुत सारे हमारे पैरों में होते हैं, वो तेल लगाने से, पैरों में मालिश करने से अच्छे बन जाते हैं। तो आपको नियमित रूप से अपने शरीर पर, अपने विशेष रूप पैरों पर तेल लगाना चाहिए। अभ्यंग मतलब क्या होता है, मालिश करना, ऑयलिंग करना अपने पार्ट की। तो यही था आज के लिए, आप नियमित रूप से पैरों पर तेल लगाइए तो इससे आपके पैर अच्छे बन जाएंगे और आपके जो बात रोग अच्छे ठीक हो जाएंगे और आपके पैर सुंदर बन जाएंगे। साथ में कई बार पैर फटते रहते हैं, क्रैक हील्स होते रहती हैं, फूटते रहते हैं पैर, तो वो भी इसको लगाने से
ठीक हो जाएंगे। तो आप नियमित रूप से अपने पैरों पर मालिश किया करें, ये बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। अपने पैरों को इग्नोर मत कीजिए, अपने सर में तो हम तेल लगाते रहते हैं, मालिश करते रहते हैं, लेकिन अपने पैरों को भी छोड़िए मत, है ना। जैसे हम लोग पर डे जूते पे पॉलिश करते हैं ना जाने से पहले, तो ऐसे ही पर डे अपने तेलों की मालिश किया करो। रात में जब भी सोते हैं, तो रात में जब भी सोए आप, तो अपने पैरों को ठीक साफ कीजिए साबुन से, किसी चीज से अच्छे से रगड़ रगड़ के। साफ करने के बाद में बैठ के बेड पे आराम सुखाकर डेली उन पर डेली ठीक से उसकी मालिश कीजिए, उससे आपके पैर अच्छे बन जाएंगे, खूबसूरत पैर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन शुभ मंगलमय हो।